हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम ये मेन्यू फिलिंग इफेक्ट बनाने वाले हैं विद ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दो फाइल क्रिएट करूँगा। एज यूजुअल हम दो फाइल सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ जाके मैं फाइल क्रिएट करूँगा। सबसे पहला मेरा फाइल होगा index.html। इसके अंदर हम HTML करेंगे, एंटर। दूसरा मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ style.css। यहाँ हम CSS राइट करेंगे, एंटर। तो सबसे पहले HTML से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, Shift 1 मैंने प्रेस कर दिया, एंटर। ठीक है, टाइटल के नीचे मैं क्या करूँगा, लिंक करवा दूंगा। किसको, HTML को CSS के साथ। तो CSS की फाइल का नेम है मेरे पास स्टाइल। ये देखें, style.css आ चुका है, एंटर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, एक UL बनाऊँगा, क्लियर। उसको क्लास दे रहा हूँ navlist, तो .navlist, एंटर। ये देखें, UL आ गया विद क्लास नेम navlist। अच्छा, इस UL के अंदर मैं लिस्ट क्रिएट करूँगा, तो li, और इसके बीच में लगा दूंगा एंकर्ड का टैग, तो एंटर। ये एंकर का टैग आ गया। अब यहाँ मैं हैश लगा के लगाऊंगा, क्योंकि ये डमी है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा होम। अब इसको क्या कर देंगे, कॉपी। इस पूरे अलाई विद एंकर को हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C कॉपी, और नीचे हम पेस्ट कर देंगे इसको। अब जो बीच का कंटेंट है हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ जल्दी से गैलरी। यहाँ मैंने कर दिया, सॉरी, गैलरी। नीचे हमने कर दिया, यह आ गया मेरे पास सर्विसेज। यहाँ हम कर देंगे पोर्टफोलियो। ये हमारा आ गया ब्लॉक, और ये एंड में हमारे पास आ गया कॉन्टेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, बस यही हमारा HTML है। अब हम चलते हैं CSS की तरफ, लेकिन CSS से जाने से पहले मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करूँगा। तो राइट क्लिक, ये ओपन विद लाइव सर्वर, मैंने ओपन कर दिया लाइव सर्वर से। ये देखें, ये लाइव सर्वर से ओपन हो चुका है। ये हमारे पास इस तरह से लिस्ट आ चुका है। ठीक है, ये लिंक्स हैं बिकॉज हमने एंकर टैग लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे CSS, लेकिन उससे पहले मैं सॉरी, स्क्रीन को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ताकि मैं जो कोड करूँगा CSS में वो चेंजेस हमें नज़र आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एज यूजुअल हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मार्जिन हमने कर दिया 0। ठीक है, मार्जिन 0। पैडिंग हम कर देंगे 0। बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और फॉन्ट फैमिली ठीक है, एंकर नहीं सॉरी यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए इतना ही। अब हम उठाएंगे बॉडी। तो बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डिस्प्ले में करूँगा इसे फ्लेक्स। तो डिस्प्ले मेरा हो गया फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, अलाइन आइटम हमने सेंटर कर दिया। अब मैं इसमें लगाऊंगा हाइट। तो हाइट मैंने लगा दिया 100 VH। VH इज व्यूपोर्ट हाइट। ओके,
तो 100 VH हमने कर दिया एंटर। ये देखें ये हमारे लिंक्स जो है वो मिडल में आ चुके हैं, बीच में सेंटर में आ चुके हैं। अच्छा अब मैं उठाऊंगा नेव लिस्ट जो कि मैंने बनाया हुआ था UL के अंदर डॉट नेव लिस्ट। नेव लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट मैंने कर दिया सेंटर, और अलाइन आइटम में कर दूंगा, इसमें अलाइन आइटम हम सेंटर नहीं करेंगे बल्कि करेंगे फ्लैक्स स्टार्ट। तो अलाइन आइटम मैंने कर दिया फ्लैक्स स्टार्ट। और एक और चीज़ करेंगे वो ये है कि मैं इसमें जो क्या कहते हैं उसको फ्लैक्स डायरेक्शन, सॉरी, तो फ्लैक्स डायरेक्शन में क्या कर दूंगा, फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने कर दिया कॉलम, बिकॉज ये मुझे कॉलम में चाहिए। ये देखें ये अब कॉलम में आ चुके हैं। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं तो ये डॉट्स हटाऊंगा। तो डॉट्स किस तरह से हटाएंगे, तो उसके लिए मैं उठाऊंगा li, li में करूंगा लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल हमने कर दिया नन, ठीक है। लिस्ट स्टाइल नन करने से ये डॉट्स हट चुके हैं। अब मुझे अंडरलाइन हटाने हैं तो मैं एंकर उठाऊंगा। एंकर के अंदर हम क्या करेंगे, जो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन में कर दूंगा नन, ठीक है। अब देखिए लाइंस भी हट चुके हैं। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इसमें डालूंगा कलर, कलर कलर क्या होगा, कलर में डाल देता हूँ इसमें वाइट। जब देखें ये नज़र नहीं आ रहे, सो ऊपर जो मेरा बॉडी है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा दोबारा एलआई के अंदर। एलआई के अंदर हम क्या करेंगे, मैं डालूंगा बॉर्डर ताकि हमें बॉर्डर नज़र आए। तो मैं बॉर्डर डाल रहा हूँ इसमें 1 pixel सॉलिड वाइट, ये मेरा आ गया बॉर्डर, ठीक है। अब हमें देखें बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, तो अब मुझे चाहिए इसमें स्पेसिंग यानी कि गैप हर एक बॉर्डर के दरमियान में। तो मैं ऊपर नेव लिस्ट में गैप डाल दूंगा 20 pixels का, गैप 20 pixel, ठीक है। अब देखें इसमें गैप आ चुका है, क्लियर। अच्छा अब मैं एलआई के अंदर क्या करूंगा, इसमें विड्थ डाल दूंगा। तो मैं विड्थ डाल देता हूं इसमें 300 pixel का, तो मेरी 300 pixel इसमें आ गई है विड्थ। ये देखें एंटर, ये देखें 300 इसकी विड्थ हो चुकी है। अच्छा आप पैडिंग डालेंगे इसमें टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट में डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डालूंगा पैडिंग लेफ्ट, ये हो गया पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट में इसमें दे देता हूँ 20 pixel, ये देखिए लेफ्ट से अब इसमें पैडिंग आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें पैडिंग टॉप एंड बॉटम डाल देता हूँ। तो पैडिंग टॉप में डाल देता हूँ 20 pixel। अच्छा अब इसी तरह से पैडिंग बॉटम डाल देंगे। तो पैडिंग बॉटम मैंने डाल दिया 20 pixel का, ठीक है। तो पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम हमने डाल दिया 20 pixels का। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, ए के अंदर एंकर टैग है जो मेरा, उसके अंदर मैं फॉन्ट साइज डाल दूंगा। तो फॉन्ट साइज 20 pixel, फॉन्ट साइज मैंने 20 pixel कर दिया। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैं किसको स्क्रीन फुल करके मैंने देख लिया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को ज़रा बढ़ाऊँगा। तो विड्थ को किस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा 350 pixel। ये देखें अगर मैंने किया 380, ठीक है अभी के लिए काफ़ी है। अच्छा
अब मैं क्या करूंगा, इस li के ऊपर मैं लगाऊंगा बिफोर। किस तरह से, ये मैंने उठाया है li, इसके ऊपर लगा देंगे बिफोर, तो ये हो गया बिफोर। अच्छा, अब सबसे पहले कंटेंट मेरा क्या होगा, नथिंग। तो कंटेंट नथिंग किस तरह से लिखेंगे, तो ये कंटेंट हो गया, कंटेंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं डालूंगा इसमें बैकग्राउंड कलर, तो ये आ गया बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। अभी देखिए हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्यों, बिकॉज अभी तक हम इसमें हाइट और विड्थ नहीं दिया हुआ। तो मैं इसमें दे दूंगा हाइट, ये मैंने दे दिया हाइट, ये इसमें हाइट आ गया 100%। इसी तरह से इसमें विड्थ डाल देंगे, तो मैंने विड्थ डाल दिया इसमें, विड्थ मेरा हो गया इसमें 100%, हाइट भी 100%, विड्थ भी 100%, ठीक है। अच्छा, अभी भी आप देख रहे हैं कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इस कलर का, ऑरेंज कलर का आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बिकॉज अभी इसे हमें पोजीशन एब्सोल्यूट बनाना है। पोजीशन मैंने कर दिया एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन हो गया एब्सोल्यूट। और ये देखिए आपको ऑरेंज कलर का एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें लगाऊंगा टॉप जीरो, ये टॉप हो गया, टॉप मैंने कर दिया जीरो। इसी तरह से हम लेफ्ट को भी जीरो करेंगे, तो ये हो गया लेफ्ट जीरो, पोजीशन। अब ये देखें पूरे स्क्रीन को, ये जगह कलर, ये ऑरेंज जो कलर है वो पूरे स्क्रीन को जो है वो कवर कर रहा है। तो एक और चीज करेंगे, एलआई में हमने बिफोर लगाया है, तो एलआई के अंदर हम जाके पोजीशन कर देंगे, पोजीशन हमने कर दिया रिलेटिव, तो पोजीशन आ गया रिलेटिव, क्लियर, ओके। ये देखें अब ये बॉक्सेस तक ही है, ये देखें इस बॉक्स के अंदर ऑरेंज है, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मुझे अब जो वर्ड्स हैं जो मैंने लिखा हुआ है वो मुझे कंटेंट ऊपर चाहिए, तो जेड इंडेक्स अगर मैं इसमें कर दूंगा, जेड इंडेक्स मैंने कर दिया -1। ये देखिए ये जो नीचे का कंटेंट था वो हमें ऊपर मिल चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इसको होवर करूँ तो ये मुझे स्लाइड करता हुआ अंदर दिखाई दे, ये कलर बैकग्राउंड का। अच्छा, अब मैं लेफ्ट में क्या करूँगा, -350 पिक्सल। तो ये देखिए यहाँ तक आ चुका है, अगर मैं इसे कर देता हूँ 370, ठीक है 370 हम ले लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये ऑरेंज कलर जो ओवरफ्लो हो रहा है, इसको मैं हाइड कर दूंगा। तो एलआई में जाएंगे, पोजीशन रिलेटिव के नीचे मैं लिख दूंगा ओवरफ्लो हिडन, ये ओवरफ्लो हो गया हिडन, ठीक है। अच्छा, ये देखें अब ऑरेंज कलर ये हाइड हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, होवर बनाऊंगा एलआई के बिफोर का। तो होवर किस तरह से बनाएंगे, एलआई होवर और ये हो गया बिफोर। अच्छा, इसमें अब मैं क्या करूंगा कि जब भी मैं इसको होवर करूं तो लेफ्ट हो जाए जीरो, एंटर। ये देखिए इसको जब भी मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो एल आई जीरो आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल कवर हो रहा है पूरा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें लगा दूंगा ट्रांजिशन, एल आई के बिफोर में अब मैं लगा दूंगा ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन मैंने लगा दिया 0.5 सेकेंड्स का, ठीक है। अब मैं इसको ओवर कर रहा हूँ तो 0.5 सेकेंड में ये स्लाइड हो रहा है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हर एक, ये जैसे होम है, गैलरी है, हर एक का अलग अलग कलर होना चाहिए।
एक तरीका तो ये है कि मैं डिफरेंट क्लास बना के कर सकता हूँ। मैं HTML में जाके अरे को अलग अलग क्लास दे के यहाँ पे कलर दे दूंगा। एक और तरीका इसमें यह है, ठीक है, एक और तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ कि li का जो nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड है दूसरा, सेकंड वाला कौन सा है, मेरा गैलरी है। सेकंड वाला उठाया किसका, बिफोर, तो मैंने लगाया इसमें बिफोर, और अब मैं इसमें कलर दे दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसमें पर्पल, ठीक है। अब ये देखें गैलरी का कलर पर्पल हो चुका है। ये आसान तरीका है, आप हर एक का जो है वो अलग कलर दे सकते हैं हर एक को। उस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक को अलग अलग क्लास देनी पड़ेगी, फिर आपको CSS में उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कितने मेरे पास चार और हैं, तो मैं इसको चार बार पेस्ट कर लेता हूँ। 1, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम। अच्छा, ये मेरा हो गया थर्ड, ठीक है, ये मेरे थर्ड के लिए, ये मेरा फोर्थ के लिए, ये फिफ्थ के लिए, और ये सिक्स के लिए, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर दूंगा रेक का, यहाँ पे मैं कर दूंगा ये कलर ले लिया मैंने यहाँ पे। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये तरीका। यहाँ पे आपको क्लास बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें मैंने कर दिया एक में पिंक, इसका भी कलर चेंज कर देंगे, इसमें ब्लू कर लेंगे। अब देखें हर एक का अपना डिफरेंट कलर है, दैट्स लुकिंग नाइस। अच्छा, अब मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर जो मैंने लगाया उसको सिंपली हटा दूंगा। तो ये मैंने लगाया हुआ बॉर्डर यहाँ पे लाई के अंदर, तो मैंने इसको हटा दिया। ये देखें बॉर्डर हट चुके हैं। अब मैं इसमें गैप डाल दूंगा थोड़ा सा, तो ये मैंने गैप कर दिया इसमें 25 पिक्सल्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखें मैं इसको ओवर करता हूँ, ये देखें हर एक का डिफरेंट कलर है, कूल। तो ये था आपका मेन्यू फिलिंग ऑन होवर विद HTML एंड CSS, इज वेरी सिंपल, आप इसको ट्राई करें। ये देखें ये इसका CSS है और ये इसका आ गया HTML। फुल स्क्रीन में देख लेते हैं, ये देखें होम, गैलरी, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग एंड कॉन्टेंट। तो ये देखें अब हर मेन्यू का अपना अलग डिफरेंट कलर है जो कि हमने बनाया है सिर्फ HTML और CSS से। तो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन बाय बाय।